नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ललित। तेज की तकरार किसकी सरकार, जी हम बात करें मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 की। आइए शुरू करते हैं तेज की तकरार किसकी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर से मध्य प्रदेश को 19,000 करोड़ की सौगात दी तो मध्य प्रदेश को लेकर टॉप थ्री की गारंटी भी दी। जाहिर है कि बीजेपी डबल इंजन और विकास को लेकर चुनाव में उतर चुकी है, लेकिन क्या ये विजन बीजेपी को जिताएगा इलेक्शन, इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ये गारंटी एक जिम्मेदार नागरिक के नाते आपका एक वोट, आपका एक वोट मध्य प्रदेश को नंबर 3 पर ले जा सकता है। जी डबल इंजन को दिया आपका हर वोट एमपी को टॉप 3 में पहुंचाएगा। ग्वालियर चंबल की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी का विजन बता रहे हैं, तो साथ ही जनता के एक एक वोट की क्या अहमियत है वो भी बता रहे हैं। चुनावी साल में एमपी के 8वें दौरे पर आए पीएम मोदी ने 19,000 करोड़ की सौगात प्रदेश को दी। अपने संबोधन में पीएम ने ग्वालियर चंबल के सपूतों और बीजेपी के नेतृत्व को भी याद किया। कुशाभाऊ ठाकरे, राजमाता सिंधिया और अटल जी को याद करते हुए पीएम ने ग्वालियर की मिट्टी को प्रेरणा बताया, तो साथ ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुर्सी में उलझे लोगों को भारत का विकास पसंद नहीं। अगर 9 साल में इतना काम हो सकता है तो 60 साल में कितना हो सकता था। उनके पास भी मौका था, वो नहीं कर पाए, ये उनकी नाकामी है। वो तब भी सिर्फ और सिर्फ एक परिवार का गौरव गान करते थे, आज भी वही करने में वो अपना भविष्य देखते हैं। पीएम मोदी ने विकास के साथ परिवारवाद पर भी कांग्रेस को घेरा, तो अपने भाषण में डबल इंजन के जरिए फिर अपनी गारंटी दोहराई। भाषण से पहले प्रधानमंत्री मोदी की सीएम शिवराज और चुनाव समिति के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से खास केमिस्ट्री दिखाई दी, जिसके राजनीतिक गलियारों में कई मायने हैं। इधर कांग्रेस पीएम के हमलों को अपने नजरिए से देख रही है और चुनावी साल में अपने दावे पेश कर रही है। अचानक एक महीने जब चुनाव को बचा है तब इन्हें सौगात देने की याद आ रही है। लगातार मध्य प्रदेश के दौरे पे आ रहे हैं, लगातार अपने सांसदों को विधानसभा में भेज रहे हैं। उन्होंने ये स्वीकार कर लिया है कि उनके सांसदों ने भी कोई काम नहीं करा है। केंद्र की 10 साल की सरकार में अगर उनके सांसद अपने क्षेत्र के विकास के लिए कुछ करते तो उनको ये नौबत नहीं आती थी, उनको विधानसभा में भेजते। विंध्य, बुंदेलखंड और मध्य क्षेत्र का पीएम दौरा कर चुके हैं, अब ग्वालियर चंबल के बाद पीएम मोदी महाकौशल में हुंकार भरेंगे। ये दोनों ही इलाके बीते चुनाव में बीजेपी के लिए चुनौती बनकर उभरे थे। पीएम चुनावी सभा कर जमीन मजबूत कर रहे हैं तो दिग्गजों को उतार कर बीजेपी अपनी जीत सुनिश्चित। अब देखना होगा कि चुनाव की ये स्ट्रेटेजी बीजेपी के लिए क्या कमाल दिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार कई बड़े उलटफेर देखने को मिल सकते हैं। उनमें से एक बड़ा बदलाव छिंदवाड़ा विधानसभा सीट से कमलनाथ की जगह उनकी बहू प्रियानाथ को चुनाव लड़ना हो सकता है। आखिर क्यों प्रियानाथ मैदान में दिखाई देंगी और इसको लेकर सियासी गलियारों में क्या चर्चा है, ये भी सब बताते हैं एक छोटे से रिपोर्ट के जरिए। विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के चुनाव लड़ने पर फिलहाल संशय बना हुआ है। ऐसे में उनकी जगह पर उनकी बहू और छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ की पत्नी प्रियानाथ छिंदवाड़ा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। दरअसल प्रियानाथ की छिंदवाड़ा की राजनीति में एकदम से बढ़ी सक्रियता को देखकर ये अनुमान लगाया जा रहा है। इसके संकेत पिछले दिनों हुई एक सभा में मिले थे। समय समय पर नकुलनाथ और कमलनाथ के कार्यक्रमों में भी प्रियानाथ की भागीदारी लगातार देखने को मिल रही है। कमलनाथ, अलकानाथ और नकुलनाथ, नाथ परिवार के 3 सदस्य अभी तक राजनीति में अपना भाग्य आजमा चुके हैं।
अगर प्रिया नाथ चुनाव लड़ती हैं, तो राजनीति में कदम रखने वाली इस परिवार की चौथी सदस्य होंगी। पारिवारिक कांग्रेसी हैं वो लोग, नकुल जी सांसद हैं, तो निश्चित रूप से एक सहयोगी के रूप में वो नकुल नाथ जी का साथ दे रही हैं वहाँ पर। और छिंदवाड़ा एक अकेला हिंदुस्तान का एकमात्र जिला ऐसा है, संसदीय क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे सारे विधायक कांग्रेस के हैं, वहाँ पर महापौर कांग्रेस का है, तो वहाँ पे जो छिंदवाड़ा मॉडल के नाम से जाना जाता है विकास, पूरे देश में लोग उसको कमलनाथ जी के विकास के नाम पे ही जानते हैं कि छिंदवाड़ा लोग देखने आते हैं कि यहाँ पर किस तरह का विकास कमलनाथ जी ने किया है, वहाँ की जनता उन्हें प्रेम करती है, इसलिए लगातार 40 वर्षों से कमलनाथ जी को वहाँ से जिताते आ रही है। बीजेपी ने इस बार कमलनाथ को टक्कर देने के लिए बंटी साहू को मैदान में उतारा है। शायद यही वजह है कि नाथ के चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदली है। नाथ का बंटी से मुकाबला सियासी लिहाज से ठीक नहीं होगा, इसी के चलते अब प्रिया नाथ को छिंदवाड़ा से सबसे बेहतर उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है। प्रिया नाथ को चुनावी मैदान में उतार कर कांग्रेस महिला वोटर्स को भी लुभाने की कोशिश कर सकती है। हालांकि प्रिया नाथ के मैदान में उतरने की खबरें आते ही बीजेपी इसे कांग्रेस का परिवारवाद बताकर हमला बोल रही है। छिंदवाड़ा के अंदर तो कमलनाथ जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, मैं तो उनका सम्मान करता हूं, उम्र का भी सम्मान करता हूं, लेकिन हालात उनके ये हैं कि न चल सकते न फिर सकते। कांग्रेस किसी बात की गारंटी है तो कांग्रेस परिवारवाद की गारंटी है। कांग्रेस किसी बात की गारंटी है तो भ्रष्टाचार की गारंटी है। कांग्रेस किसी बात की गारंटी है तो तुष्टीकरण की गारंटी है जो सनातन पर कांग्रेस कर रही है। इसलिए छिंदवाड़ा की जनता, मैं तो बहुत पहले कह करके आया हूँ कि मैं नहीं तो मेरी पत्नी, मेरी पत्नी नहीं तो मेरा बेटा, और मेरा बेटा नहीं तो मेरी बहू, यही कांग्रेस का मूल करैक्टर है। छिंदवाड़ा के परासिया में कांग्रेस की नारी सम्मान योजना की शुरुआत के मौके पर प्रिया नाथ ने जनसभा को संबोधित किया था। उन्होंने मंच से सभी का आशीर्वाद भी मांगा था, तभी से उनके सियासत में आने के कयास लगाए जा रहे हैं। छिंदवाड़ा सीट कमलनाथ की पारंपरिक सीट मानी जाती है। वे लंबे समय तक यहां से लोकसभा के सदस्य रहे, बाद में मुख्यमंत्री बनने के बाद यहीं से विधायक बने। अब प्रिया नाथ को उतार कर कांग्रेस गुना वाली सिंधिया बनाम केपी यादव वाली स्थिति से बचना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एक बार फिर से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने कहा कि 90 साल की उम्र में भी कोई कहेगा तो चुनाव लड़ने को तैयार हूं। बीजेपी उमा भारती के बयान का बचाव कर रही है, तो कांग्रेस ने उमा के बयान पर तंज कसा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उमा है कि मानती नहीं, जी हां, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की फायर ब्रांड सीनियर लीडर उमा भारती का मन फिर से चुनाव लड़ने के लिए मचल रहा है। उन्होंने एक बार फिर से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। उमा भारती से जब यशोधरा राजे के चुनाव न लड़ने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनकी उम्र यशोधरा, वसुंधरा और कैलाश विजयवर्गीय से कम है। इसके साथ ही उमा भारती ने कहा कि अगर कोई 90 साल की उम्र में भी चुनाव लड़ने का बोलेगा तो लड़ूंगी। नहीं नहीं, मैं तो भी बहुत छोटी हूँ बाबा। हाँ, आपको पता नहीं है, मैं वसुंधरा यशोधरा वगैरह से 7-8 साल छोटी हूँ। और आपको भी, हाँ, आप लोगों को नहीं मालूम क्या, विश्वराज जी से 1 साल छोटी, नरेंद्र तोमर से 5-6 साल छोटी, कैलाश विजयवर्गीय से 6-7 साल छोटी। जो बीमारी मुझे है वो है कि दो बार कोरोना होने से मुझे डायबिटीज हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपने आप को बिल्कुल अशक्त नहीं समझती। मैं 90 साल की भी होंगी तभी चुनाव लड़ने के लिए राजी हो जाऊंगी। उमा भारती की इच्छा को बीजेपी नेता पार्टी की इच्छा से जोड़कर बचाव कर रहे हैं, तो कांग्रेस को उमा के सहारे बीजेपी पर हमला बोलने का मौका मिल गया है। निश्चित तौर पर क्या गलत कहा, यदि पार्टी का नेतृत्व उन्हें जवाबदारी देता है, पार्टी का नेतृत्व यदि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए आदेशित करता है, तो उन्होंने कहा है कि मैं 90 साल की उम्र में भी यदि सामर्थ्य रहा तो बिल्कुल निश्चित तौर पर चुनाव लड़ूंगी। यदि व्यक्ति सामर्थ्य, व्यक्ति लड़ने के मतलब शारीरिक रूप से सक्षम है, उन्होंने जो कहा है, तो निश्चित तौर पर पार्टी का आदेश हो तो सब मिलकर तो फिर चुनाव लड़ा ही जाएगा, उसमें कोई गलत तो नहीं कहा उन्होंने। उन्हें अपनी भारतीय जनता पार्टी के बारे में उन्हें अच्छी तरह ज्ञान होना चाहिए कि 90 साल की उम्र क्या, उसके पहले ही मार्गदर्शक मंडल में वरिष्ठ नेताओं को डाल दिया जाता है।
और जिस तरह से उन्होंने इच्छा व्यक्त करी है चुनाव लड़ने की, वो लगातार प्रयास कर रही हैं। 2004 के बाद जब वो मुख्यमंत्री पद से हटी थी तो मध्य प्रदेश की राजनीति से उनको दूर रखा गया था, उनको अवसर भी दिया चुनाव लड़ने का तो उत्तर प्रदेश से दिया गया। उनकी इच्छा बहुत रहती होगी मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ने की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी उनकी इच्छा को पूरी करेगी। जब से बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्रियों सहित 7 सांसदों और विजय वर्गीय जैसे दिग्गजों को मैदान में उतारा है, तभी से बीजेपी के कई घर बैठे वरिष्ठ नेताओं के मन में चुनावी वैतरणी में उतरने की इच्छा बलवती हो गई है। इसी कड़ी में शायद उमा भारती का मन भी चुनाव लड़ने को मचला है। अब बीजेपी उनकी इच्छा पूरी करती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। दीपक द्विवेदी, बंसल न्यूज, भोपाल। देख रहे 23 की तकरार, किसकी सरकार। छत्तीसगढ़ बीजेपी की दूसरी सूची इन दिनों सुर्खियों में। संभावित लिस्ट में नए पुराने चेहरों के साथ ही केंद्र के दिग्गज भी चुनावी ताल ठोकेंगे और यह माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो क्या बीजेपी की यह दूसरी लिस्ट कांग्रेस के लिए चुनौती साबित होगी, इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दिल्ली में छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर हुई बैठक के बाद दूसरी लिस्ट को लेकर कयासों का बाजार गर्म है। बैठक के बाद बीजेपी की संभावित सूची सामने आ गई है। दूसरी लिस्ट में बीजेपी के पुराने दिग्गज और नए चेहरे नजर आ सकते हैं, तो वहीं केंद्र के आधा दर्जन दिग्गज भी चुनाव में मौजूदगी दर्ज करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बयान और उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि इस बार चुनाव में वो भी ताल ठोकने जा रहे हैं। विस्तार से चुनाव को लेकर चर्चा हुई है और जब भी बहुत जल्दी आपको उन चर्चाओं का परिणाम मिलेगा। माना जा रहा है कि लोरमी सीट से अरुण साव विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरेंगे तो उनके साथ कुछ और सांसद भी 2023 के चुनाव में ताल ठोकेंगे, जिनमें पत्थलगांव से गोमती साय का नाम भी लगभग तय माना जा रहा है। संभावित लिस्ट में राजनांदगांव सीट से डॉक्टर रमन सिंह, जांजगीर चांपा से नारायण चंदे, रायपुर दक्षिण से ब्रजमोहन अग्रवाल, बिल्हा से धर्मलाल कौशिक और कुरुत सीट से अजय चंद्राकर जैसे पुराने चेहरों के नाम तय हैं। तो नए चेहरे में धनसीमा से अनुज शर्मा, आरंग से खुशवंत साहेब जैसे नाम सामने आए हैं। हालांकि बीजेपी की दूसरी लिस्ट को लेकर कांग्रेस तंज कसती नजर आ रही है। लिस्ट में रमन सिंह का नाम नहीं था, अब दूसरे लिस्ट में आया, देखें इंतजार करते हैं। देखिए अपने अपने पार्टी में अपना अपना उम्मीदवार तय करते हैं, अपना अपना रणनीति बनाते हैं और दूसरी पार्टी के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। हम जानते हैं कि हमारी पार्टी सरकार में आ रही है और पिछले बार जो रिकॉर्ड बहुमत मिला था उससे भी आगे रहेंगे। कुल मिलाकर बीजेपी नए पुराने चेहरों समेत केंद्र की ताकत विधानसभा चुनाव में झोंकने जा रही है। इसका नतीजा क्या निकलेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इससे एक बात तो तय है, बीजेपी फिर से चुनावी बढ़त लेना चाहेगी ताकि चुनाव में बीजेपी को लीड मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए वो नाम बताते हैं जो बीजेपी की दूसरी संभावित सूची में माने जा रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए रायपुर उत्तर से धरसीमा से अनुज शर्मा, जांजगीर चांपा से नारायण चंदेल, मस्तूरी से डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी, रायगढ़ से ओपी चौधरी, बिलासपुर से अमर अग्रवाल, बैकुंठपुर से भैयालाल राजवाड़े, ये संभावित उम्मीदवार हैं। इनके नाम लगभग तय है आपको बता रहे हैं। भिलाई नगर से प्रेम प्रकाश पांडे, पत्थलगांव से गोमती साय को टिकट दिया जा सकता है, बालोदाबाजार से टंकराम वर्मा, इनका नाम लगभग तय है। कवर्धा से विजय कुमार शर्मा, नारायणपुर से केदार कश्यप, बिल्हा से धर्मलाल कौशिक उम्मीदवार होंगे, हो सकते हैं, ये संभावित उम्मीदवार है। डोंगरगांव से भरत वर्मा, कोंटा से प्रताप सिंह, आरंग से खुशवंत साय, गुरु से अजय चंद्राकर, रामपुर से नंदकीराम कंवर, राजनांदगांव से डॉक्टर रमन सिंह को टिकट लगभग उनके नाम तय है। बेलतरा से रजनीश सिंह, बसना से संपत अग्रवाल और साजा से ईश्वर साहू, जो बीजेपी की संभावित सूची में जिनके नाम है वो आपको बता रहे हैं। लोरमी से अरुण साह, तखतपुर से धर्मजीत सिंह, वैशाली नगर से रिकेश सेन, जिनको टिकट दिया जा सकता है। तो बीजापुर से महेश गागड़ा, कोंडागांव से लता उसेंडी, अंतागढ़ से विक्रम उसेंडी उम्मीदवार हो सकते हैं।
रायपुर उत्तर से पुरंदर मिश्रा का नाम है, रायपुर दक्षिण से ब्रजमोहन अग्रवाल का नाम और रायपुर ग्रामीण से मोतीलाल साहू, इनके नाम संभावित लिस्ट में शामिल हैं। अंबिकापुर में कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने एक बड़ा बयान दिया। कांग्रेस की भरोसा यात्रा के दौरान कुमारी शैलजा ने टिकट को लेकर कहा कि सरगुजा संभाग में कुछ सीटों पर चेहरे बदले जाएंगे, टिकट वितरण की जल्दी नहीं है, बैठकों का दौर लगातार जारी है। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में विकास के दम पर चुनाव जीतेगी। देखेंगे, वो हो सकता है थोड़ा बहुत बदलाव भी आए, पर वो हर एक सीट का हम सर्वे करवा रहे हैं, अभी भी हमारे सर्वे चल रहे हैं, उसके मुताबिक जो लोगों की चाह होगी, लोगों की चाह पर। छत्तीसगढ़ चुनाव की लड़ाई अब भरोसे पर आ चुकी है। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के बाद कांग्रेस ने भरोसा यात्रा निकाली। यात्राओं के जरिए दोनों ही पार्टियां जनता का भरोसा जीतने की बात कह रही, लेकिन जनता किस पर भरोसा जताएगी, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बुलेट पर सवार मुखिया भूपेश की यह तस्वीर भरोसा यात्रा की है। चुनावी साल में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के बाद अब कांग्रेस भी भरोसा यात्रा के जरिए अपनी जमीन मजबूत कर रही है। प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के दिग्गज बाइक पर सवार होकर जनता के बीच पहुंचे। गांधी जयंती के मौके पर सीएम भूपेश ने स्वराज का संदेश दिया तो कांग्रेस ने भूपेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई। भरोसे की यात्रा है, नौजवानों के भरोसा, किसानों की भरोसा, महिलाओं की भरोसा, मजदूरों की भरोसा, सबके भरोसा, और इस भरोसा महात्मा गांधी के जन्मदिन पर, शास्त्री जी के जन्मदिन पर यात्रा से लोग जुड़ते हैं, यात्रा से लोगों की भावनाएं जुड़ती है, और प्रजातंत्र में सबसे बड़ी ताकत तो जनता ही है। उसके बीच में जाकर हम अपनी योजनाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लोग उससे जुड़ रहे हैं। कांग्रेस भरोसे का सम्मेलन और भरोसा यात्रा के जरिए जनता का विश्वास जीत रही है तो सत्ता की राह तलाश रही बीजेपी परिवर्तन यात्रा से अपना दांव खेल चुकी है। दंतेवाड़ा और जशपुर से शुरू हुई यात्रा 87 विधानसभा से होकर बिलासपुर में खत्म हुई और समापन के मौके पर पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को चार्ज किया। जिस तरह कांग्रेस ने बीजेपी की यात्रा को सीरियसली नहीं लिया, उसी तरह बीजेपी भी भरोसा यात्रा पर चुटकी ले रही है। बीजेपी का कहना है कि जनता का भरोसा कांग्रेस सरकार से उठ चुका है। अब भरोसा नहीं है, अभी 8 दिन के बाद में चुनाव आचार संहिता लगने जा रही है, अब परिवर्तन की लहर है जनता के बीच में और जनता तैयार बैठी है कि कांच की हांडी एक बार तो चढ़ा दी थी हमने गलती से, अब वो हांडी टूटने का अवसर आ गया है, इसलिए जनता का भरोसा खत्म हो गया। नेता कांग्रेस पार्टी के आपस में अपने ऊपर भरोसा कर ले, वही बहुत है। जनता के दरबार में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही हाजिरी लगाकर भरोसा जीतने की जुगत में लगे हैं, लेकिन जनता किस पर भरोसा जताएगी ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज़, रायपुर।